वीडियो में बात करेंगे सेफ्लोक्स डी ड्रॉप के बारे में। इसका कंपोजिशन है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड डिकामेथासिन। ये ड्रॉप आई एंड एयर दोनों के लिए, ठीक है, आँख और कान दोनों का इस्तेमाल में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी दिक्कत हो आँख और कान में तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो कंजक्टिवाइटिस पूरे देश में फैला हुआ है, यानी आई फ्लू के नाम से जानते हैं आप, जो पूरे देश में फैला हुआ है, आँखों में लाली आ जाता है, आँखों में सूजन आ जाता है, इस तरह के बीमारियों के लिए ये ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है, मैं भी इसका इस्तेमाल किया है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है ये ड्रॉप, ठीक है। तो इस ड्रॉप का इस्तेमाल बिल्कुल आप कर सकते हैं, दिन में 3 बार दो दो बूंद करके, दो दो ड्रॉप करके इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से इस ड्रॉप का इस्तेमाल करें, और अभी जो कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है, ठीक है, उसका अगर लक्षण आपको दिखे, आँखों में इरिटेशन, इन्फेक्शन, आँखों का संक्रमण, आँख से पानी गिरना, ठीक है, इस तरह से आँख में जलन होना, ठीक है, आँख में लाली आ जाना, आँखों में चोट जैसा महसूस हो, दर्द हो, पलकों की सूजन यानी स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, आँखों में थकान, आँखों से कीचड़ आना वाइट वाइट कलर के, तो ये ड्रॉप दिन में 3 बार दो दो ड्रॉप करके, दो दो बूंद करके डाल सकते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो अभी कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है भारत में, तो इसलिए कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू से बचे, ठीक है। इसके बचाव के लिए क्या करें, सबसे पहले मैं आपको इसका लक्षण बता देते हैं, फिर बचाव के लिए क्या करें और फैलने से भी बचने के लिए क्या करें, ठीक है, सब बता देते हैं। सबसे पहले अगर लक्षण ऐसा दिखे, आँखों का लाल होना, तो समझ जाना है कि कंजक्टिवाइटिस हो चुका है, ठीक है। आँखों में सफ़ेद रंग का कीचड़ आना, आँखों से पानी बहना, आँखों में सूजन, आँखों में खुजली और दर्द, ठीक है, इस तरह से दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आई फ्लू हो चुका है। आई फ्लू होने पर क्या करें, अगर हो जाए आई फ्लू तो क्या करें, तो हम बताते हैं आपको मोक्सोफ्लोक्सासिन यानी सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोक्सोफ्लोक्सासिन, इस तरह के ड्रॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आँखों को गुनगुने पानी से क्लीन करें, गुनगुने पानी से हमेशा साफ़ करें, ठीक है। आँखों को साफ़ करने के लिए साफ़ और सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, साफ़ और सूती कपड़े का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लक्षण गंभीर होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आई फ्लू को फैलने से रोकने के लिए क्या करना है, पहला है पीड़ित व्यक्ति काला चश्मा पहनकर रखे, काला चश्मा पहनना है, ठीक है। टीवी या मोबाइल देखने से बचे, आँखों को बार बार छूने से बचे, आँखों को साफ करने के लिए गंदे कपड़े का इस्तेमाल न करें, आँखों को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना न भूलें, ठीक है। किसी से भी आई टू आई कॉन्टेक्ट न बनाएं, प्रभावित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, तौलिया या कपड़ा न साझा करें, यानी तौलिया और कपड़ा दूसरे को न दे, ठीक है, अपना तौलिया और कपड़ा दूसरे को साझा न करें, प्रभावित व्यक्ति को आँख छूने के बाद अन्य सामान छूने से रोके, क्या करें, दूसरे सामान छूने से रोके, बाहर से आने के बाद आँख साफ पानी से धोए, क्या करें, बाहर से आने के बाद आँख साफ पानी से धोए, इस तरह से फैलने से बचने के लिए रोकना है, ठीक है। ये जो ड्रॉप है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड डिकामेथासिन जो है, इसका दो कंपोजिशन है, ठीक है, और ये डिकामेथासिन जो है कान में जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, खुजली हो, फोड़ा हो, फुदसी हो, जख्म बन जाए, तो इस तरह से इस ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कान के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो अभी कंजक्टिवाइटिस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।